पिछले वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 7 तक किया था, इस वीडियो में हम एग्जांपल 8 करेंगे। तो क्या है, राइट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर एज इंटरवल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 4 लेस देन एक्स लेस देन 6। इसको एग्जांपल से पहले हम समझा, जैसे अगर रहे कि एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3, एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 और 3 के बीच में इनफिनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर आते हैं, तो एक्स क्या है, लाइज कर रहा है, एक्स जो है इसी के बीच में लाइज कर रहा है। लेकिन देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्कल, मतलब ऐसे डार्क सर्कल नहीं होगा, तो वाई, तो इसको कैसे लिखते थे, एक्स बिलोंग्स टू टू कॉमा 3, ओपन ब्रैकेट देते थे। और जब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे डार्क सर्कल है, तो हम बोलते थे कि 2 भी क्या है, इंक्लूड है, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट देते थे। ठीक, तो सेम एज हम यहाँ भी यही करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट का देखिए, माइनस 4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, तो अगर हम इसको इंटरवल में लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस 4 और 6 पर क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन था तो ओपन ब्रैकेट दिए, क्लोज इक्वल टू का साइन था इसलिए क्लोज ब्रैकेट, मतलब 6 भी इंक्लूड है लेकिन माइनस 4 क्या एक्सक्लूडेड है। और हमसे पूछा कि आप लेंथ निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, लेंथ निकालने के लिए अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स कर दीजिएगा, माइनस माइनस 4, ये हो जाएगा 10 के बराबर। अब सेकेंड पार्ट माइनस 12 एक्स लाइज बिटवीन माइनस 12 एंड माइनस 10, तो मतलब एक्स कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 12, ओपन ब्रैकेट, इक्वल टू का साइन नहीं है, और माइनस 10 यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। और इसका लेंथ निकालना होगा, तो क्या करेंगे, अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स 2 आ जाएगा। इस एक्स लाइज बिटवीन एक्स एंड 7, देखिए एक्स बिलोंग्स टू 0 to 7, देखिए 0 पर इक्वल टू का साइन है इसलिए क्लोज ब्रैकेट आएगा, और 7 पे ओपन, मतलब इक्वल टू का साइन है इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगा। तो देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ के लिए कुछ नहीं करना है, दिस माइनस दिस, तो दिस आ गया। चौथा, एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 4, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 3 4, ऐसा लिखेंगे, और देखिए इक्वल टू का साइन है 3 पे तो क्लोज ब्रैकेट, और 4 पर भी इक्वल टू का साइन है क्लोज ब्रैकेट, और लेंथ के लिए क्या करेंगे, अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स कर देंगे, दैट इज 1 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एग्जांपल नंबर 9। ये एग्जांपल नंबर 9 है और ये एग्जांपल नंबर 8 था। एग्जांपल नंबर 9 है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो हमको अभी ये दे रखा है, मतलब इस तरह का दे रखा है, हमको इस ऐसा लिखना है। तो आप फर्स्ट पार्ट में क्या लिखिएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और इसको क्या लिखिएगा, माइनस 7 0 ऐसा, और बीच में x, अब देखिए ओपन ब्रैकेट है इसलिए ऐसा साइन आ जाएगा, मतलब x जो है इसके बीच में लाई कर रहा, ओपन दोनों में ओपन ब्रैकेट था इसलिए आ गया, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं आया। सेकेंड में लिखेंगे तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 यहाँ रखिए 12 यहाँ रखिए, इसके बीच में x लाई कर रहा, तो इसमें इक्वल टू का साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू का, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, देखिए 6 पे भी क्लोज ब्रैकेट है और 12 पे भी क्लोज ब्रैकेट, इसलिए इक्वल टू का साइन आ गया। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x 6 और 12, देखिए यहाँ पे ओपन है तो इसलिए लेस देन का साइन आएगा लेकिन इक्वल टू नहीं आएगा, और 12 पे इक्वल टू भी आ जाएगा, मतलब यहाँ 12 भी क्या है, इंक्लूडेड है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे क्या लिखेगा, माइनस 20 लेस देन x इक्वल टू, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, और लेस देन 3 हो जाएगा क्योंकि ओपन
ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, तो हमारा एग्जांपल नंबर 8 भी हो गया, मतलब एग्जांपल नंबर 9 भी हो गया। अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है मेरा एग्जांपल नंबर 10। क्या है एग्जांपल नंबर 10 है, तो 10 देख, लेट ए इक्वल टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि 3-4 सबसेट है ए का। क्या 3-4 सबसेट है ए का? नहीं, 3-4 सबसेट नहीं है ए का, क्योंकि देखिए 3-4 तो ये पूरा, मतलब इसमें सबसेट होने के लिए क्या होना होगा, ऐसे ब्रेसेज होनी चाहिए, लेकिन ये ब्रेसेज तो है नहीं, इसलिए ये सबसेट तो होगा नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसका करेक्ट क्या होगा कि आप ब्रेसेस डाल दीजिए, मतलब एक ब्रेसेस तो ये अपने से लिया हुआ है, और सबसेट करने के लिए हमको उसको ब्रेसेस के अंदर डालना होता है, तो ये सबसेट हो जाएगा। जैसे समझिए, अगर ए आपका ऐसा है 1, 2, 3, तो आपको बोलना है कि 1 सबसेट होगा ए का, तो 1 और अपना ब्रेसेस लगाएं और ये सबसेट हो गया। लेकिन अगर ए में ऐसे एलिमेंट्स हों जैसे 1, 2, 3, अगर ऐसा हो, ये हो, जैसे मान लीजिए अब हमको बोलना हो कि ये सबसेट हो ए का, तो अगर हम ऐसे लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, इसमें हमको बिलोंग शू डालना होगा, क्योंकि ये पूरा सेट इसमें है ना, ये देखिए पूरा इसमें है, इसलिए बिलोंग शू आएगा। अगर हम अपने से ब्रेसेस लगा दें तब जाके ये बनेगा सब सेट इस सेट का। तो इस अंतर को आप समझिएगा। तो अब देखिए, अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला, 3-4 बिलोंग्स टू ए, देखिए ये पूरा सेट इसमें है ना, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए, 3-4 सबसेट है ना ए का, देखिए अभी समझाएं ये क्या है, सबसेट है ए का, तो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए में है? जी देखिए 1 ए में है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा, 1 सबसेट ऑफ ए, क्या 1 सबसेट है ए का? देखिए इसका अपना ब्रेसेस तो है नहीं, मतलब इसका इसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसेट के लिए ब्रेसेज होनी चाहिए, तो ये नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको करेक्ट करने का तरीका कि आप ब्रेसेज लगा दीजिए, तो ये सबसेट बन जाएगा ए का। देखिए ये तरीका हो गया करेक्ट करने का। अब सिक्स्थ पार्ट, 1, 2, 5 सबसेट ए का, देखिए ये करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों है, देखिए 1, 2 और 5 है, और इसका अपना ब्रेसेस, मतलब इसमें ब्रेसेस भी लगा हुआ है, मतलब ये एक सेट है, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। देखिए हम सबसेट का मतलब कि कोई सेट, और बिलोंग्स टू का मतलब कि उस एलिमेंट को ए में बिलोंग, मतलब बिलोंग्स टू मतलब उसमें बिलोंग करा, 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 ए में है, ऐसे समझ। तो 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। सेवेंथ, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, देखिए ये पूरा का पूरा सेट इसमें है तो नहीं है, ये देखिए ये अलग अलग है, ये पूरा का पूरा ब्रेसेस के साथ इसमें नहीं है, इसे बिलोंग्स टू तो नहीं लगेगा, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। तो आपको इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, आप क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। एट, 1, 2, 3 सबसेट है ए का, क्या 1, 2, 3 सबसेट है ए का? नहीं नहीं ये इनकरेक्ट हो गया, ये इसलिए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि देखिए
अगर ए में मान लीजिए कि ऐसा है 1, 2 और 3 है मान लेते हैं, तो अगर हमको लिखना हो ना कि 2, 3 सब सेट है ए का, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए 3 और 1, 2 ये एक साथ है और अपने ब्रेसेस के साथ है, तो इस तरह से लिखना गलत हो जाएगा, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप कुछ नहीं कर सकते कि इनकरेक्ट का करेक्ट ही रहेगा। आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1, 2, 3 सबसेट नहीं है ए का, ऐसा लिख सकते हैं। अब 9वां पार्ट देखिए, 9वां पार्ट है कि फाइव बिलोंग्स टू ए। क्या फाइव ए में है? देखिए फाइव ए में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमको ऐसा इसको करेक्ट करने के लिए लिखेंगे कि फाइव जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा ए को। 10, फाइव क्या सब सेट है ए का? तो हमको पता है कि इम्पटी सेट जो होता है वो सब सेट होता है एवरी सेट का, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट 11 क्या है, फाइव सब सेट है ए का, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, ये देखिए फाइव को हम ये तो भी लिखते हैं ठीक, मतलब इसके पास तो खुद ही का ब्रेस, मतलब ये तो खुद ब्रेसेज है इम्पटी, तो अगर हम इसको दो ब्रेसेस के अंदर डाल दें तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही है, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया।